हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है पूनम, मेरे चैनल का नाम है नेचुरल पूनम और अपने चैनल पर मैं हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आकर मुझे देख रहे हो तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी होम रेमेडीज या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ उन्हें आप लोग भी देख सकें। और दोस्तों, उसी के साथ आज की वीडियो होने वाली है समर फेशियल पे। जैसे ही समर आता है तो हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो टैनिंग की प्रॉब्लम हो या फिर हमारा जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डार्क हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक होममेड समर फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो अगर आपकी स्किन पे टैनिंग हो चुकी है या फिर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इससे खत्म होने वाली है एंड उसी के साथ आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी और फ्लॉलेस हो जाएगी। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फेशियल में मैंने सिर्फ 3 स्टेप को ही लिया है। फर्स्ट हम अपने फेस की क्लींजिंग करेंगे, सेकेंड फेस की स्क्रबिंग करेंगे एंड लास्ट में हम अपने फेस के ऊपर फेस पैक लगाएंगे। सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने चेहरे पर अच्छा खासा ग्लो ला सकते हो, जो कि आपको किसी पार्लर में जाकर भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला और अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारी इस होम रेमेडी का जो मास्टर इंग्रेडिएंट है वो रहने वाला है ये टमाटो। टमाटर का हम इसमें यूज करने वाले हैं और हम जितने भी स्टेप्स इस फेशियल में करने वाले हैं उसमें हम टमाटो का यूज करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप शायद जानते होंगे कि टमाटो जो होता है वो हमारी स्किन के कलर को लाइटन और ब्राइटर करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ अगर हमारे फेस पे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी दूर करता है। तो टमाटर का हमने यहाँ पर किस फॉर्म में यूज करना है सबसे पहले वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। आपने लेना है एक अच्छा सा टमाटर एंड उसको क्या करना है, आपने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसकी एक जो प्यूरी होती है वो आपने बना लेनी है एंड यहाँ पर मैंने वो पहले से रेडी करके रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो टमाटर की प्यूरी है वो बिल्कुल तैयार कर ली है और इससे अब हम सबसे पहले बनाएंगे अपने फेस के लिए फेस क्लींजर। तो फेस क्लींजर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रॉ मिल्क। अगर आपके पास रॉ मिल्क है तो ठीक है, अदरवाइज आपके घर में अगर बॉयल मिल्क है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रॉ मिल्क लिया है और रॉ मिल्क के लगभग 2 चम्मच मैं इस बाउल में ऐड कर लूंगी और उसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच टमाटो प्यूरी। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स 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 एंड आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये जो है इसमें मिक्स हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब ये हमारा जो फेस क्लींजर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से हम अपने फेस की क्लींजिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इस फेशियल को करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद अपने फेस की हम क्लींजिंग यहाँ पर करेंगे। तो फेस की क्लींजिंग करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन का यूज करूंगी। यहाँ पर ये जो मैंने फेस क्लींजर रेडी किया है इसे कॉटन में डिप करके अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूंगी। बिल्कुल अच्छे से हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने पूरे फेस पे, आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, नोज के जो हमारे कॉर्नर होते हैं जहाँ पे हमें एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल अच्छे से हमने पूरे फेस पे इस क्लींजर को करना है। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो वो भी आपके इस फेशियल से 100% दूर होने वाली है। या फिर मैं ऐसा कहूं कि समर के लिए इससे बेस्ट फेशियल आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। फेस के साथ साथ आप इसे अपनी नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ अपने फेस पर ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने पूरे फेस पर अच्छे से ये क्लींजर जो है लगा लिया है। अब मैं बिल्कुल हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर मसाज करूंगी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मेरे फेस की जो क्लींजिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप जो कि है फेस स्क्रबिंग। तो फेस स्क्रबिंग करने के लिए हमने लेना है यहाँ पर चावल का आटा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया है एंड इसको मैं इस बाउल में ऐड कर दूंगी और उसके बाद हम अगेन इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। 1 चम्मच हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो फेस स्क्रब है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पर जो फेस स्क्रब है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। काफी जेंटल फेस स्क्रब है ये। और जैसा कि आप जानते हैं कि चावल का आटा जो होता है हमारे फेस के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, फेस पे कितने अच्छे रिजल्ट देता है। तो मैंने यहाँ पर चावल के आटे को ऐड कर लिया है। एंड देन अब बारी है अपने फेस पे स्क्रबिंग करने की। तो मैं इसे अपने हाथों पर ले लूंगी और बिल्कुल हल्के हाथों से अपने फेस पर फेस स्क्रबिंग करूंगी। दोस्तों चावल का आटा अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल है आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से उनको पीस कर जो है चावल का आटा खुद ब खुद बना सकते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम अपने फेस की फेस स्क्रबिंग करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। दोस्तों फेस स्क्रबिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके फेस पे आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है, कई बार कुछ लोगों के जो नोज की साइड में जो जगह होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उन लोगों को जरूरत होती है कि वो हफ्ते में कम से कम 2 बार उस जगह पर जो है स्क्रब को जरूर करें। और बाकी लोग वो लोग जो कि फेशियल नहीं भी करते हैं, तो स्क्रबिंग करना हमारे फेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमारे फेस पे जितनी भी गंदगी या मैल जमी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। तो हफ्ते में कम से कम 1 बार हमें जो है फेस स्क्रब जरूर करना चाहिए ताकि हमारे फेस पे जो डेड स्किन जमी हुई है वो रिमूव हो सके। तो यहाँ पर मेरी जो फेस स्क्रबिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसे अब मैं साफ कर लूंगी एक टॉवल की हेल्प से। टॉवल को मैंने पानी में डिप किया है एंड अब इसे मैं क्लीन कर लूंगी। तो यहाँ पर मेरी फेस की फेस स्क्रबिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब बारी है लास्ट स्टेप की, जो कि है फेस पैक। तो फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन, कॉफी पाउडर, कस्तूरी हल्दी एंड उसी के साथ अगेन टोमेटो प्यूरी। चलिए जल्दी से हम इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बेसन एंड उसके बाद 1 चम्मच कॉफी पाउडर। इसमें मैंने ऐड किया है लगभग 1 पिंच हल्दी एंड उसके बाद इसका पेस्ट बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का रस। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच टमाटर का रस डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करके इसका जो फेस पैक है वो रेडी कर लेंगे। दोस्तों उसी के साथ अगर आप यहाँ पर कस्तूरी हल्दी का यूज करते हो तो ये आपकी स्किन को और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन की हल्दी का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास कस्तूरी हल्दी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो मैंने भी यहाँ पर किचन की हल्दी का ही यूज किया है। लेकिन इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप किचन की हल्दी का यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 पिंच ही यूज करना है। अगर आप ज्यादा किचन की हल्दी का यूज करते हो तो ये आपके फेस पे स्टेन करती है, आपके फेस पे दाग छोड़ के चली जाएगी। वैसे ही गर्मियों की वजह से आपके फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुकी है तो फिर ये आपके कलर को और ज्यादा डार्क कर देगी। तो फिर आप सोचेंगे कि ये कैसा फेशियल बता दिए जिससे कि हमारी स्किन जो है और भी ज्यादा डार्क हो गई। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कस्तूरी हल्दी है तो आप 1/4 इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1 पिंच ही यूज करें। तो यहाँ पर मेरा फेस पैक हो चुका है रेडी। अब बारी है इसे अप्लाई करने की। तो जल्दी से मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर इस पैक को अपने हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके लिए आप ब्रश का यूज भी कर सकते हैं। इसकी एक आपने मोटी लेयर अपने फेस पर लगा लेनी है एंड इसे लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए उसे ड्राई आउट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं भी जल्दी से लगा लेती हूँ और इसे ड्राई होने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, मेरा जो फेस पैक है वो यहाँ पर लगभग 80% ड्राई हो चुका है एंड अब मैं इसे वॉश करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे इसे वॉश करने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड रिजल्ट आपके सामने है।
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको होममेड समर फेशियल के बारे में बताया, आप घर पर रहकर कैसे अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हो। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।